वालेकुम सलाम। आप क्या हाल है? मैं बहुत परेशान हुआ जैन भाई, बहुत ही ज्यादा। क्या हो गया? मैं बस यकीन करें कि आवाज नहीं आ रही। आप कुछ ऊंचा बोले जी। जी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ ऊंचा बोले। आवाज आप क्या रही है मुझे? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें, आवाज आपकी स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा, खैर ना, वो वीडियो देखी यार आपकी मैंने, जो अपलोड हुई है उसके ऊपर सोशल मीडिया पे, अभी मेरे पास आई है व्हाट्सएप के जरिए से। क्या वजह बनी यार आपने कि माने बड़ा अहमकाना हरकत कर दी है? वो मैंने नहीं की, करवाई की है। नहीं करवाई तो गई है, लेकिन माद भाई बात पता क्या है, अभी आपने आपने हमारा नुकसान नहीं किया, बल्कि आपने हक बात का जो है ना, हक बात को छोड़ा है और दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाया आपने। यानी कि जो हक बात अली भाई के प्लेटफॉर्म से निकली है ना, आपने उसके ऊपर तमाचा मारा है। माने आपके ऐसा करने से जो है ना, ये दावत रुकनी नहीं है, दावत तो खैर चलती रहनी है, लेकिन आपने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है ये काम करके ना। जी माने मैं तो पर्सनली ये वीडियो देखी है मैंने, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मुझे यकीन माने पर्सनली आप पे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा कॉल करूं माद भाई को, मैं पूछूं यार वजह क्या है। वजह ये थी कि इन्होंने कहा था कि 295C आपकी बुला रही है, हम जा रहे हैं अदालत। अच्छा, तो मेरे शेख साहब से बात हुई थी अली भाई से, मेरी तहरीर जो आप मलिक के दी वो उधर पढ़े ना, मैंने पढ़ी भी, तो उसके बाद वो कहते कि इंशाल्लाह पढ़ते हैं। मगर उसके बाद वो ये हजरात फिर आए हैं गा मेरे। कौन सी तहरीर आप? ये वो तहरीर जो आपने कहा जुम्मे में पढ़ी है? हाँ जी, वो इंजीनियर साहब ने बोला आपको पढ़े आप? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो अली भाई ने बोला कि आपको ये तहरीर पढ़े ये वाली, तो आप यार उसमें अली भाई को आपने मुलाकात कहा हुआ है? तो अली भाई ने उन्होंने कहा, मैं तो नहीं कहता, मैं कह सकता हूँ अली भाई ने कहा ये आपके मुलाकात। अली भाई ने खुद बोला कि आप मुझे मुलाकात बोले? नहीं नहीं, वो कह रहे यार इसमें तो मुलाकात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूँ तहरीर में आपने बोला ना कि इंजीनियर मुलाकात, तो इंजीनियर अली भाई ने खुद बोला कि ये तहरीर है मुलाकात वाली, ये पढ़ो आप। नहीं नहीं, ये तो देवबंदी ने कहा था कि आपके ऊपर टूटा नैरेटिव सही लगेगी, आप ये बातें कहें। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि अली भाई से कल मुलाकात हुई है, फोन पे बात हुई थी, तो अली भाई क्या कहती है तहरीर पढ़ दे? नहीं नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या कहना है? वो कह रहे थे कि आप जुम्मे शुमे को छोड़े, आप दावत के यानी के मोड को सब समझे। उन्होंने समझाया मुझे, मगर ये दोबारा कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ये मसला है, तो आप अगर आपने जुम्मा पढ़ा कि यार जुम्मा कहते आप रुजू करें बस अपनी बातों पर, नहीं तो हम जाएंगे अदालत जाएंगे। वो तो मेरे भाई आपने मशवरा करना था ना पहले साथियों से, कासिम भाई से मशवरा कर रहे थे, मुझसे कर रहे थे, लाही भाई से, देखे वो डांटना तो बनता उनका, वो भी तो मैं मानता हूँ, और यकीन माने कि आपको कम से कम मशवरा कर लेना चाहिए था कि यार ये मैं तहरीर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ लूँ, और आपको सारी बातें बतानी चाहिए थी, साथियों से मशवरा करना चाहिए था, ये आपको ट्रैक्ट नहीं था पढ़ देना चाहिए, फिर आपकी वीडियो बन रही है ठीक है, और आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या हरकत की है। यकीन माने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया आपने इस दावत को। नहीं इंशाल्लाह, मुझे यकीन है अल्लाह की जात के ऊपर कि जो दावत शेख साहब लेकर निकले हैं इंशाल्लाह ताला, वो तो हो जाएगी, वो हो जाएगी हक सच है। वो तो उस देखे ना, वो हमारे अपने साथियों में से भी मुनाफिकी निकल आए ना, हम नुकसान करने की कोशिश करें, तो फिर भी ये दावत का काम रुकना नहीं है, ये तो चलते रहना है ठीक है। हक जो है ना हमेशा भारी होता है ठीक है, तो बात यह है कि हमें दुख इस बात का होता है कि हमारे अपने ही जो है वो टीम के अंदर कुछ मुनाफिकीन छुपे हुए हैं ठीक है, अपनी टीम के अंदर कितने लोग ऐसे हैं। और ये आपकी बात ये मैं सुनी है दो चार साथियों से कि आप उधर उलमाए देवबंद को कुछ कहते थे हमारे खिलाफ, तो इधर हमें उनके खिलाफ कुछ कहते थे। मैंने बहुत सारी बातें इस बारे में सुनी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था इस बात पर कि आप ऐसा करते हैं।
अभी वीडियो देखी है तो मैंने वीडियो देख मेरे बात होते तो मेरे साथ वो यानी कि फिजिकली लड़ने की कोशिश ना करते हैं, ये भी तो है ना। तो बहुत बड़ा कि माने तो लड़ाई होने वाली थी नहीं तो आप मेरे भाई आप शहर बदर हुए थे या वतन हुए थे आप सर मैं बदल हुए थे आप एक बात तो करते यार किसी साथी थे दादा यार मैं ये तहरीर पढ़ने लगा हूँ ये हलफनामा पढ़ने लगा हूँ मैं इसके बड़े भाई को सेंड कर दी थी ना। फिर दूसरा बात ये है कि मैं आपको मुझे नहीं समझ आती कि आपको किसने बोला है कि आप हारिस सुल्तान से पंगे लें या उसको मलदीन और से पंगे लें। आपका यार माध भाई ये काम नहीं बनता था, मैं ब्रदराना तौर पर कह रहा हूँ गुस्सा नहीं करना आपने। आपको ये बात सूटेबल नहीं थी क्योंकि आप अंदर कैपेटेंसी नहीं है डिबेट करने की, आपको ये पंगे नहीं लेने चाहिए थे। आप जिस हिसाब से दावत कर रहे थे ना उस हिसाब से आप दावत जारी रखते ठीक है ना। आपने बहुत बड़े बड़े जुर्माना वो पंगे लिए हैं तो अभी जो कुछ कर दिया आपने इतना बड़ा चीन माने मैं तो दिल्ली तौर पर बड़ा सुनता हूँ आपकी वीडियो देखकर। बदल ये है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको जो कुछ हो गया की है मुझे पता ना सारा मामला इन्होंने धमकी देकर ऐसे की है पर मेरा अल्लाह तो जानता है ना। अल्लाह तो जानता है लेकिन आपने सारे हमारी दावत के काम को तो जाहिर के आपने मेरे भाई बात ठीक नहीं है। बात यह है कि आपने मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सुने मेरी बात गुजारिश ये कासिम भाई को मैंने यही कहे साथियों को आपके देखे आप उलमा यानी के मॉडरेट लोग हैं आप समझदार हैं आप उन मौलवियों की तरह नहीं है इज्जत खिलाना गुफ्तगू करें। आप मुझे ये 3 से 4 माह के बाद आप खुद देख लेंगे सारा कुछ और आप कहेंगे बाकी हाँ भाई आप गलत नहीं आप सच्चे आप मुखलिस हैं आप मुझे यकीन है इंशाल्लाह की रात के बाद मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। यार आप मुझे ये बताएं आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ये तो बात अच्छी तो नहीं है ना यार। आप मैंने बरात कर लिया उनको दफा करें उनसे मुंह लाने की जरूरत क्या आपको क्या जरूरत क्या वो अड़े हुए थे ना कि हमें जाना है अदालत। और यार अदालत जाते ना क्या कर लेते आपके खिलाफ क्या कर लेना था उन्होंने किस मुकदमे पे आपको जो है वो जुर्म जुर्म की सजा देनी थी किस जुर्म की सजा जो ये बात की है से यार कुछ भी होना था आपने कुछ दिनों के लिए शहर बदल हो जाना था सारे मामला सीधे हो जाने थे कुछ भी नहीं आपने कहना मैं जा रहा हूँ किसी बिजनेस के सिलसिले में मेरा कुछ जॉब लग गई है बस बात खत्म। उन्होंने कह दिया आप ये कह दें तो आप हमारे कोई इतराजात नहीं है तो अभी अभी आप देखे हर चीज ठीक है आप भाई बताएं मैं आपकी दफे नहीं कर रहा मगर आप देखें आगे वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला वो आप खुद देखें तो कुछ नहीं होगा। आपने दावत के इस काम को ना हक की आवाज जहाँ से उठी है इस प्लेटफॉर्म से उसको आपने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है यकीन माने और आपने एक मुनाफकाना जो है ना अंदाज अपनाया है ठीक है तो गुस्सा नहीं करना आपने माइंड नहीं करना ठीक है ना। आपने ये अंदाज अपनाया और बहुत ठेस पहुंचाई है साथियों को भी अली भाई को भी सबको ठीक है ना। हम आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं मैं देखें अल्लाह आपको जिंदगी दे अल्लाह खुशी दे मैं इंशाल्लाह ताला ये वीडियो बनी है ना जी तो जब मेरे ऑफिशियल पेज पे वीडियो जुड़ेगी पूरे 1 घंटे की तो फिर उस पर भी आप जवाब देंगे आप सच्ची बताइएगा। चले वो तो जवाब आएगा यार नहीं आप बताएं लेकिन या देवबंदी बरेलवी या उस वक्त करेंगे मेरा क्या पटेंगे फिर वो सारे बात ठीक है आपकी लेकिन ऐसे नहीं है ये ऐसे कूते लोग हैं मैं तो पैंट के चौथों को मैं क्या कहूँ मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो फिर क्या जवाब देंगे भाई आप अभी आप जो मर्जी कर लें अभी अगर आप इनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे ना ठीक है तो ये आपको नफकी डिक्लेयर कर देंगे की तबकी इनकी इनकी होगी बात कम्प्लीट होगी है बस और मैं कार्रवाई करनी है ना इनके कहने भाई आपको मैं बात सुने आपको इन्होंने नफकी डिक्लेयर करना है सिर्फ आपको इन्होंने सामने डिक्लेयर करना है क्योंकि आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर
آپ کو ایک دفعہ آپ نے جو مسجد چھوڑی ہے آپ کے آپ نے اعلان کیا جی میں ناما بھابھی ناما بھابھی میں مسلم نہیں تھا بھی پھر آپ ادھر چلے گئے آپ ابھی جا کے یہ کلپ ریکارڈ کرایا آپ نے آپ پھر دوبارہ اپنا کلپ ریکارڈ کرائیں گے تو آپ کا شمار اپنا کیوں ہو جائے گا چل رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے نام دعائی کر سکتے ہیں بس یہ جو ہے نا افسوس کن واقعہ تھا مجھے دیکھا ہے لیکن جیسے زبردستی پہلے انہوں نے کی ہے نا ابھی بھی زبردستی ہوئی ابھی تو بہت زبردستی ہوئی ہے سر اللہ معاف کرے جی بہت زبردستی لگی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ بہت زبردستی تو کی انہوں نے لیکن آپ نے سمجھداری سے کام نہیں لیا نا میرے بھائی آپ چاہیے تھا کہ آپ لوگ آپ مشورہ کرتے ساتھیوں سے پیار کرتے یہ کام مشورہ کیا نا مشورہ تو کیا نا مجھے شاہد صاحب نے بھی کہا کہ آپ جائیں جمعے کے لیے پر وہ آئے ہیں گھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کے معاملات اگر آپ نہیں کرتے تو ہم آپ سے 295 میں یار وہ کدھر آ گئی 295 سی کدھر آ گئی بار بار اچھا پر اس پر میں بڑا گھبرایا ہوں کہ یار یہ کیا پہلے دو سات وکیل لے کر آئے تھے وہ اچھا یہ بات کی بات ہے شیخ صاحب کے بعد کی بات ہے تو شیخ صاحب آپ نے کہ مطلب میرے گھر میں آئے ہیں یہ لے کر شیخ صاحب نے فون کیا شیخ صاحب نے فون بند کیا اس کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ آئے ہیں اچھا کہ یار میں تو نکلے میں تو گھر پہ تھا تو وہاں انہوں نے کہہ دی کہ آپ یہ ایسے ایسے کریں میں ان کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ ایڈوکیٹ تھا اٹارنی والا کا یہ آپ کے اوپر آ جائیے تو آپ رجوع کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے پیرنٹس کے لیے بھی بہتر ہے اچھا میں حیران بیٹھی یار یہ تو پھر مسئلہ نہیں ہے سال یہ مولوی تھے نیچے سعید تھا وہ سعید ہی ہے وہ تھا گزار یہ انہوں نے کہا آپ ایسے رجوع کریں آپ کے لیے معاملہ خراب ہو جائے گا پھر یہ معاملہ ہوا ہے میں کہا جی ٹھیک ہے جی آپ رجوع کر لیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پیچھے لو اللہ حافظ اچھا میاں شفاق بھی خوش ہو گیا میاں شفاق کے ساتھ ملا ہوا ہے ظاہر ہے سارے خوش ہوئے ہیں سارے سب خوش ہوئے ہیں میاں شفاق خوش ہوا ہے خوش ہوا ہونا ہے میرے کو میرے اندر ہی رونا ہے اس سے پورا جیل خوش ہے جو بندیوں کا ہمار زندہ آباد میں کہ زندہ زندہ آباد کو نہیں پتر تھی آپ کو رونا ایک دن جانا ہے ان شاء اللہ کیونکہ ابھی تو وقتی طور پہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے میرے بھائی ہیں آپ سارے مجھے خود دکھ ہے میں خود پریشان ہوں میرے بھائی آپ بات کی تھیم کو فالو کریں آپ نے جو کام کیا نا ٹھیک ہے اس کا نقصان جو ہے نا اب پورا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے نا ان کے خلاف جو بھی کریں گے تو آپ کے مخالفین اور بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس سے پریشانیاں آپ کو زیادہ آ جائیں گی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے لوگ اور آپ اکیڈمی کے لوگ بھی سارے لوگ بلکہ میڈیا پہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلا رہے ہیں نا آپ کے ویور جتنے بھی ہیں وہ آپ کو منافع ڈکلیئر کر دیں گے آپ پشمان منافقوں میں ہوگا یہ بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے یہ کام کر کے میری بات کو سمجھے ماد بھائی وہ ساری کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ سے آپ نے غلط کر دی ہے آپ یہ نہ چلاتے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا سر ہونا تھا نا مجھے پتہ مجھے سارے آپ کچھ نہیں ہوگا یار پہلے نہیں آئے اب گھر میں پہلے نہیں آئے انہوں نے جو بیان جلائی ہے پہلے تو اس ترتیب سے آئے نہیں ہے نا پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں پاما ترتیب سے مسئلہ ہو مندر نے بھیجا تھا ان کو یار کچھ نہیں تھا آپ پتہ نہیں ڈر گئے اور آپ وہ بندے تھے جو کہتے تھے میں سارا کٹا دوں گا اور میں انجینئر صاحب کے اوپر جب بات کی سب بھی بات پڑی ہے میں وہی کہہ رہا تھا پھر کہتے تھے میں سارا کٹا دوں گا لیکن میں بات نہیں دوں گا کہ میں یہ کہا دوں گا آپ کو بڑے بڑے اسٹرانگ ہو سے میں آپ پیچھے ہٹ گئی ہیں 295 پورے پاکستان کے لوگوں کی دھمکی دی ہے سر کیا کر رہے ہیں زین بھائی وہ کہتے ہیں علی انجینئر کو میں بوجھ نہیں ہے تو آپ کو پھڑکا جائے گا کوئی ہاں نہیں میں بوجھ نہیں ہے آپ کے باپ ہے ملک عزیز اللہ بٹ والی وہ بھی جیسے کھانا کھا رہا کہتا ہے جی ایسے ہی انجینئر صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہے نہیں آپ کہتے رہتے ہیں عزیز اللہ بٹ کو پتہ ہی نہیں ہے یار اس کو ہم رات کا پتہ ہی نہیں ہے
उसने इस मैं उसकी गुफ्तगु सुनी या उसको नहीं पता? वो उस दिन ये नोटपुरी है उधर बैठा हुआ था, मैं इधर बैठे आ रहा कि मैं भी मिला हूँ ये नोटपुरी से, आपको रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। अच्छा, ये नोटपुरी के घर में यानी कि नौवीं पार्टी के घर गया, ये नोटपुरी से मैंने कही यार आप क्यों किया अली भाई का बगैर किसी श्री और कानूनी तौर पर आपको गिरफ्त हो सकती है। अच्छा, कहते आप उससे आप तालिबान पर बात करने के लिए आप अली जी ने साहब का डिफेंड करने के लिए आए? मैं डिफेंड नहीं करने के लिए, मैं तो हद बात करने के लिए आया। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा व्हाट्सएप पे आपका झूठ पकड़ा गया है, वो सारी वॉइस मेरे पास है, रिशाद भाई को भेजे हैं, रिशाद भाई ने कहा था किसी को दे दें फिलहाल। ठीक है, वो तपा मेरे ऊपर बड़ा तपा हुआ है, वो कहते हैं यार ये आप चले चाहिए फिर बात करते हैं बाद में। ठीक है सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।